हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है विशाखापट्टनम से गांधीधाम तक चलने वाली वीकली एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है विशाखापट्टनम से गांधीधाम तक चलने वाली वीकली एक्सप्रेस के बारे में। विशाखापट्टनम है जो वो आंध्र प्रदेश में है, गांधीधाम जो है वो गुजरात में है। ये वीकली ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 18501 और 39 आवर्स 25 मिनट्स में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं और 2110 किलोमीटर की दूरी जो है ये विशाखापट्टनम से गांधीधाम तक कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर और ये विशाखापट्टनम जंक्शन से हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को चलती है। और ये जो ट्रेन है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो आपको टिकट किराया बताऊंगा ये विशाखापट्टनम जंक्शन से गांधीधाम तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2910 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1970 रुपये, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के भी कोच हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 735 रुपये। ये ध्यान रहे, ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये विशाखापट्टनम से गांधीधाम तक का बताया है, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। इसके अलावा जनरल अंडरसर डिब्बो का जो किराया है वो है 421 रुपये के करीब। ये अपडेटेड किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विशाखापट्टनम गांधीधाम वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 18501 और विशाखापट्टनम जंक्शन से हर थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को ये शाम के 5:35 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है दुबवड़ा, यहाँ पर ये शाम के 6:13 पर पहुँचती है और 6:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 18 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समलकोट जंक्शन में पहुँचती है। समलकोट जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 7:55 पर पहुंचती है और 7:57 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर के बाद ये ट्रेन जो है विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है वो राजा मुंद्री स्टेशन में पहुंचती है 8:55 पर और 9 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये राजा मुंद्री तक ये जो ट्रेन है 201 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, उसके बाद विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है इलूरू स्टेशन में पहुंचती है 10:11 पर और 10:13 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विजयवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। विजयवाड़ा जंक्शन में ये ट्रेन जो है 12:01 पर पहुंचती है और 9 मिनट बाद 12:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 9 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खम्मम स्टेशन में पहुंचती है 1:29 पर और 1:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वारंगल स्टेशन में पहुंचती है। वारंगल स्टेशन में ये ट्रेन जो है 2:58 पर पहुंचती है और 2:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामागुंडम स्टेशन में पहुंचती है 5:30 पर और 5:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है श्रीपुर कागज नगर में पहुंचती है 6:33 पर सुबह और 6:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में बलहर शाह जंक्शन में पहुंचती है 8:10 पर और 8:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 800 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वर्धा जंक्शन में पहुंचती है। वर्धा जंक्शन में ये 11:07 पर सुबह पहुंचती है और 11:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भंडेरा जंक्शन में पहुंचती है। भंडेरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है 1:07 पर दोपहर को पहुंचती है और 1:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकोला जंक्शन में पहुंचती है 2:10 पर और 2:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलकापुर स्टेशन में पहुंचती है 3:23 पर 3:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1196 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुंचती है
शाम के 4:25 और 4:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में पहुँचती है। जलगांव जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:22 पे पहुँचती है और 5:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नंदूरबार स्टेशन में पहुँचती है शाम के 7:50 पे और 8 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है सूरत स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:30 और 11:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकलेश्वर जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:09 पे और 12:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है वो वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1:18 पे पहुंचती है और 1:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आनंद जंक्शन में पहुंचती है। आनंद जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1:54 पे पहुंचती है और 1:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है। अहमदाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है 3:20 पे रात को पहुंचती है और 3:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विरंगाम जंक्शन में पहुंचती है। विरंगाम जंक्शन में ये 4:38 पे पहुंचती है और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धरन गांधरा स्टेशन में पहुंचती है 5:44 पे और 5:46 पे सुबह वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलिया मियाना स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर ये 6:45 पे पहुंचती है और 6:47 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समा ख्याली स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 7:40 के करीब सुबह पहुंचती है और 7:41 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन भचाऊ में पहुंचती है सुबह 7:57 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद विशाखापट्टनम गांधीधाम एक्सप्रेस जो है वो गांधीधाम स्टेशन में पहुंचती है जो कि इसका लास्ट स्टेशन है। यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 9 बजे पहुंचती है और अपनी 2110 किलोमीटर की यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आप चाहते हैं कि मेरे चैनल में कुछ आप अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उन आइडियाज़ को अपने चैनल में इंक्लूड कर सकूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन